टेलीकॉम कंपनियों को इस साल सबसे बड़ी चपत हाथ लगी है। देश के सबसे बड़े सीयूजी ग्राहक भारतीय रेल ने एयरटेल को 6 साल से चली आ रही सेवाएं छीनकर रिलायंस जियो को दे दी है। रिलायंस जियो एयरटेल को झटका देते हुए रेलवे को अपनी सेवाएं एयरटेल से 35% कम दरों पर देने का प्रस्ताव देकर डील फाइनल कर दी है। एयरटेल शान से कहती थी कि भारतीय रेल उसका ग्राहक है। पिछले 6 साल से एयरटेल रेलवे को 1,00,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कनेक्शन उपलब्ध करा रही है, जिसका इस्तेमाल उसके कर्मचारियों द्वारा देश भर में उपयोग कर रहे थे। रेलवे बोर्ड की 20 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि उसने रेल टैग भारतीय रेल के लिए नई सीयूजी योजना को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी दी है। रिलायंस जियो 4G 3G कनेक्शन उपलब्ध कराएगी, इसमें कॉल मुफ्त होगी। कंपनी रेलवे को 4 पैकेज उपलब्ध कराएगी। नियमित ग्राहकों के लिए जियो का 25 GB का प्लान ₹199 में उपलब्ध है। इसके बाद ग्राहकों को अपने प्लान के टॉपअप के लिए ₹20 प्रति GB का भुगतान करना होता है। जियो देश की हर टेलीकॉम कंपनी को जोरदार झटका देते हुए देश की नंबर 1 कंपनी बनती जा रही है। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।